ये देखिए, जब तो डलवा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे उड़ीसा में जो कि ऊपर ऊपर का ज़मीन को जो कि बोलते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसा ज़मीन पर हम लोग सिर्फ कपास करते हैं और कुछ नहीं होता है, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का सुविधा ज़्यादातर कम होती है, पानी का सुविधा नहीं है, तो इसलिए एक सीजन ही इसमें खेती बाड़ी होती है, तो उसमें ही कपास सिर्फ होती है और कुछ नहीं होती है। तो ये देखिए यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर ब्लॉग्स ओडिशा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और जो कि आज गाय का गोबर लोडिंग करेंगे, आज का काम है भाई, और जॉन डियर 5105 गाड़ी है, और उड़ीसा में कैसे गाय का गोबर लोडिंग होता है आप जरूर देखिए इस वीडियो में, आगे देखिए। तो चलो चलते हैं, गाय का गोबर लोडिंग करेंगे और इससे गांव की ज़मीन पर एक किसान का जो उसका ज़मीन पर डलवाएंगे, तो रेट कितना है एक ट्रिप का, एक ट्राला का रेट कितना है गोबर का, तो सही रेट बताएंगे। और आ गए हैं गाड़ी देखने के लिए बच्चे लोग, तो चलो चलते हैं हमारे वीडियो में, आगे बने रहिए और एंड तक देखिए। और जो भी भाई लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और बेल घंटी के बजाना मत भूलना। तो हम एक छोटा सा ड्राइवर है और हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो चलते हैं और गाय का गोबर लोडिंग करते हैं, आपको दिखा देते हैं, पास में जाकर दिखा देते हैं गाय का गोबर। ये देखिए ये लगता है भाई, ये हमारे एरिया में जो कपास होता है ये डालते हैं, जो मन गोबर डालते हैं, गोबर डालने के बाद वो बीज बोते हैं जो कि कपास बोलते हैं, हमारे एरिया में कपास बोलते हैं। और गाड़ी आ चुके हैं, अच्छा इधर आ जा, इधर थोड़ा तो इसे लोडिंग करेंगे और जाएंगे उधर डलवाएंगे ज़मीन पर। तो हमारे वीडियो में बने रहिए एंड तक और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये देखिए आ चुकी है गाड़ी और इसे हम लोडिंग करेंगे। और लगभग हमारे यहाँ पर गाय का गोबर एक ट्रिप जो कि एक ट्राला ये 90 फीट का है, पूरा टोटल एरिया 90 फीट का होता है ये ट्राला हमारे उड़ीसा में, ज़्यादातर 90 फीट का ट्राला ही बनती है और इस ऐसे ही ट्राला चलती है हमारे उड़ीसा में ज़्यादातर। तो एक ट्राला में अभी हमारे एरिया में पड़ जाता है गोबर का प्राइस, जो कि गाय का गोबर का प्राइस पड़ जाता है आपका 3000 रुपया, और गाड़ी का एक्स्ट्रा चार्ज लेने देने का और लेबर का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, और सिर्फ गोबर का चार्ज लगता है 3000 रुपया, तो आपको पता चल चुका होगा। और जाएंगे तो हमारे वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखिए कैसा मेहनत लगता है भाई जो कि लोडिंग करने में। ये देखिए हमारे कालिया बाबू लोडिंग कर रहे हैं, अरे उसका नाम एक्चुअली उसका नाम है मिनी, जो कि मैंने बोल दिया उसको कालिया, फिर देखो कितना गुस्सा हो रहा है, देखो ये देखो ये देखो कितना गुस्सा हो रहा है, देखो 8 गाय है उनका, 8 गाय में ये गोबर निकलता है, 2-4 ट्रिप बेच चुके हैं, अभी जाएगा एक ट्रिप तो। अरे बादल जी भी है साथ में, जो उसी दिन एक सांप को मार दिया था, छोड़ेगा नहीं वो तुझे, उसका मम्मी छोड़ेगा नहीं, ये देखो ऐसा काम भी करता है और सांप को भी सलाह से मार दिया उसी दिन। उड़ीसा में लोडिंग की प्राइस होती है 200 रुपया, जो कि एक ट्रिप एक ट्राला लोडिंग करने के वक्त 200 रुपया देते हैं, जो कि मालिक एक ट्राला 200 रुपया और मालिक कितना लेते हैं, मेहनत है, कड़ी धूप है, ये देखिए बहुत धूप है, बहुत धूप है, और धूप की समय में ये लोडिंग करना बहुत मुश्किल होता है भाई, ये देखो। तो गाइस लोडिंग हो गया है, ये देखिए फुल ट्रॉली, और ये खाद है गाय का खाद है और गाय का गोबर, और जाएंगे जो कि कालिया ने गाड़ी में बैठ लिया, मैं चलाऊंगा आज, बोल रहा है और चलो चलो आगे आगे निकालोगे हम वहाँ से हम चलाएंगे। तो भाई लोग देखो हमारे उड़ीसा में कैसे रास्ता होते हैं, कैसे ज़मीन होता है किसान का देखिए, और उबड़ खाबड़ ज़्यादातर उबड़ खाबड़ ज़मीन होता है हमारे यहाँ पर, और जो कि ये देखिए ये ऐसा ज़मीन ये गाँव के बीचों बीच है, और गांव के उस तरफ नदी पे जाएंगे, नदी के पास में जाएंगे, उस किसान का ज़मीन वहां पर है और वहां जाएंगे और वहां डलवाएंगे कालिया
जो कि दो चार दिन सिखाने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा चला रहा है गाड़ी। ये देखिए बहुत, दो चार दिन गाड़ी दिया इसको, खाली गाड़ी दिया, अभी थोड़ा थोड़ा चला रहा है, फिर भी से थोड़ा थोड़ा डरता है गाड़ी चलाने की वजह से। ये लोड गाड़ी दी, तो चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। इधर चल, सीधा चल, सीधा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए कपास का जमीन है और एक किसान का जमीन है। ये देखिए यहाँ पर होता है तो कपास बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग पहुँच गए हैं खाद लेकर, क्योंकि गाय का गोबर और ये देखिए बीज। ये देखिए जब तो डलवा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे उड़ीसा में जो कि ऊपर का ज़मीन को जो कि बोलते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसा ज़मीन पर हम लोग सिर्फ कपास करते हैं और कुछ नहीं होता है, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का सुविधा ज़्यादातर कम होती है, पानी का सुविधा नहीं है, तो इसलिए एक सीजन ही इसमें खेतीबाड़ी होती है, तो उसमें ही कपास सिर्फ होती है और कुछ नहीं होती है। तो ये देखिए गाय का गोबर, गाय का खाद जो कि पड़ चुका है। ये देखिए झटका देना, झटका दे। बस ये देखो पूरी की पूरी डल चुकी है।